हेलो नमस्कार दोस्तों तो कैसे हैं आप सब आशा करता हूँ आप और आपके पेट्स हेल्दी होंगे तो दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है स्किन इन्फेक्शन के बारे में काफ़ी सारे डॉग डॉक्टरों के ये सवाल आते हैं कि उनके डॉग को स्किन इन्फेक्शन हो गया है तो क्या करें कैसे उसकी ट्रीटमेंट करें तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊँगा कि ये कैसे होता है इसकी ट्रीटमेंट क्या है और इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा न्यू हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं एथमिक्स नाम से हमारा पेज है वहाँ पे मैं न्यू न्यू अपडेट लाता रहता हूँ तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं स्किन प्रॉब्लम्स में सबसे कॉमन आता है हेयरफॉल तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेयरफॉल के बारे में तो सबसे पहले ये हेयरफॉल होता क्यों है एक तो नॉर्मल होता है जैसे कि शेडिंग होता है साल में कोई भी डॉग ब्रिट जैसे कि जमुन शेफर्ड हुआ लेब्राडर हुआ गोल्डन रिट्रीवर हुआ इन डॉग ब्रिट्स की शेडिंग होती है साल में एक या दो बार इसके कारण उनके हेयर फॉल होते हैं आपको घर में कई सारे जगह हेयर फॉल देखने को मिलेंगे तो डॉग की शेडिंग के वक्त आपको सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो याद रखनी है वो है उनकी ग्रूमिंग उनकी ग्रूमिंग टाइम टू टाइम कीजिए दिन में एक या दो बार उनकी ब्रशिंग जरूर कीजिए जिससे कि बाल अच्छे रहे उनके जो भी शेडिंग के कारण निकल रहे हैं वो निकल जाए और अंदर ही ना रहे इससे आपके डॉग की हेयरफॉल कम होने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी सेकेंड पॉइंट आता है अगर आपके डॉग ब्रीड में विटामिस या न्यूट्रिशन की कमी हो तो उसके कारण ये होता है अगर आपके डॉग को प्रॉपरली ओमेगा थ्री सिक्स फाइव या फिर फैटी एसिड्स नहीं मिल रहे इसके कारण डॉग की फॉल स्टार्ट हो सकती है और यह सब डॉग को मिलता है डॉग फूड से आप जो भी डॉग फूड परचेस करें तो ज़रूर से देखिए उस पर यह सब लिखा होता है इंस्ट्रक्शन में कि इसमें क्या क्या ऐड है जिसके कारण आपके डॉग का जो डाइजेशन सिस्टम अच्छा होता है स्किन अच्छी होती है हेयर शाइन करते हैं ऐसे कई सारे बेनिफिट मिलते हैं तो आप जो भी डॉग फूड सिलेक्ट कर रहे हैं वो प्रॉपरली और ढंग से सिलेक्ट कीजिएगा इसके बाद कई सारे लोग ये मिस्टेक कर देते हैं कि अपने डॉग को जब भी बात करते हैं तो सिर्फ पानी डाल देते हैं या फिर ह्यूमन प्रोडक्ट्स के जो शैम्पू होते हैं वो यूज़ करते हैं इसके कारण डॉग को कई सारी प्रॉब्लम्स भी होती है जो हेयर फॉल है और नॉर्मल हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम में भी बदल सकता है इसीलिए आप ह्यूमन प्रोडक्ट्स बिल्कुल ना यूज़ करें जो ह्यूमन की शैम्पूज आती है वो बिल्कुल यूज़ ना करें और अगर आप चाहे तो जॉयन पेट्स का नेचुरल कोट नरिशर शैम्पू जिसमें फाइनेस्ट एंटी ऑक्सीडेंट से एंड स्किन मॉइस्चराइजर से जो कि इस शैम्पू को बनाता है शेड कंट्रोलर शैम्पू इस शैम्पू में ऑर्गेनिक एलोवेरा जूसेस विटामिन ई अलोंग विथ नेचुरल हर्ब्स ऐसे कई सारी चीज़ें मिक्स की जाती है जिसके कारण आपके डॉग की जो एक्सेसिव शेडिंग है उसे कंट्रोल करता है ये आपके डॉक के कोट को सॉफ्ट करेगा इसमें कोई भी पैराबींस या फिर केमिकल का यूज नहीं किया जाता जो कि आपके डॉग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है तो अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वहाँ से जाके आप बाय कर सकते हैं नेक्स्ट जो स्किन प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है काफ़ी सारे डॉग ओनर्स को और इसके कारण डॉग को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो है टिक्स एंड फ्लाइज की और रेडनेस तो ये प्रॉब्लम डॉग को क्यों होती है तो सबसे पहले अगर आपका डॉग बीट ज़्यादातर पानी में बैठता है तो इसके कारण उसको जो रेडनेस देखने को मिली होगी आपको उसके शरीर के ऊपर साथ साथ उसमें टिक्स भी देखने को मिले होंगे और कई बार कई जगह हेयरफॉल भी होना स्टार्ट हो गया होगा तो आप उसे ज़्यादा पानी में ना बैठने दें साथ साथ अगर आप उसे मीठा देते हो या फिर स्पाइसेस देते हो तीखा देते हो खाने को तो इसके कारण आपके डॉग को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है रेडनेस आना स्टार्ट होता है हेयरफॉल भी इसके कारण हो सकता है और समर में गर्मी के कारण डॉग को जो पानी देते हैं पीने को वो उसे गिरा के उसके ऊपर बैठ जाता है इसके कारण टिक्स भी होना स्टार्ट हो सकते हैं और फ्लाइज भी हो सकते हैं तो इसके लिए आप ज़रूर से ध्यान रखें उसको जो है मीठा बिल्कुल ना दे उसको स्पाइसेस ना दे साथ साथ अगर आप अपने डॉग को मिल्क देते हो उसके कारण भी कई सारे प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है और टिक्स एंड फ्लाइस की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि कई सारे लोगों को यह पसंद नहीं होता कि उनके डॉग के ऊपर टिक्स होते हैं वो उनको निकालने में भी हिचकिचाते हैं लेकिन आप ज़रूर से निकाल लिए आप चाहे तो ग्लव्स पहन लीजिए हाथ में उसको निकालने के लिए कुछ आता है वो भी आप ले सकते हैं जिसके कारण टिक्स आसानी से निकल जाते हैं लेकिन टिक्स निकलने के बाद भी उनके एग अंदर ही रह जाते हैं और इसके बाद फिर से वो लोग पेरेंट्स में बदल जाते हैं तो इसी के कारण उसको बार बार टिक्स होते रहते हैं और आप सोचते हो डॉग बाहर भी नहीं जाता कहीं जाता भी नहीं है तो इसको टिक्स हो कैसे रहे तो वो एग्स के कारण होते हैं एग के ऊपर अगर आप स्प्रे भी लगाओ तो वह भी कोई वर्क नहीं होगा जो कि टिक्स रिमूव करने के लिए स्प्रे आता है या फिर शैम्पू आती है वो भी वर्क नहीं करेगी तो सबसे पहले जैसे ही आपको टिक्स दिखे तो उसके लिए जो शैम्पू होती है वो अच्छी सिलेक्ट कीजिए क्योंकि अगर आप ह्यूमन शैम्पू यूज़ करोगे टिक्स की भी अलग शैम्पू आती है डॉग की हेयर हेयरफॉल की भी अलग आती है तो अगर आप जो भी शैम्पू सिलेक्ट कर रहे हो वो प्रॉपरली सिलेक्ट कीजिए अगर ह्यूमस का यूज़ कर रहे होगे तो उसके कारण प्रॉब्लम और बढ़ सकती है और आप चाहे तो जॉयन पेट्स का नेचुरल फोर इन वन डिटेलिंग डिओराइजिंग स्प्रे यूज़ कर सकते हैं विथ क्रिटोनला एसेंशियल ऑयल जिसके कारण टिक्स एंड फ्लाइज नहीं होते नेचुरली वो रिमूव कर देता है उन्हें और अगर आप ये स्प्रे यूज़ करते हो तो इसके कई सारे फीचर एंड बेनिफिट है बेनिफिट में से टिक्स एंड फ्लाइज तो हो ही गया नेचुरली रिमूव हो जाएंगे एल्कोहल फ्री है ये रिलीव करता है आपके डॉग को ईचिंग एंड स्क्रैचिंग से और आपके डॉग के कोट को क्लीन एंड फ्रेश बनाए रखता है साथ साथ डिओ भी करता है ये फोर इन वन है आपका डॉग भी ट्वेल्व वीक्स के ऊपर हो तो आसानी से आप ये स्प्रे उसे दे सकते हैं इसमें ऑर्गेनिक एलोवेरा विटामिन ई ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो आपके डॉग के कोट को हेल्दी बनाए रखता है अगर आपको ये बाय करना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है साथ साथ वेबसाइट की भी लिंक दी है आप ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा नेक्स्ट जो स्किन प्रॉब्लम देखी जाती है कॉमनली वो है डेंड्रफ़ आपके डॉग को अगर डैंड्रफ हो रहा है तो उसके पास वेट के पास प्रॉपरली डायग्नोसिस ज़रूर कराए साथ साथ जो आपकी कॉम होता है वो डॉग को रेगुलरली कर रहा है लेकिन जो स्टाइल होती है करने की वो डिफ़रेंट होती है लॉन्ग स्टॉक लीजिए जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं इस तरह से कीजिए सेकेंडली कॉम को चेंज करते रहिए और अगर आपका डॉग ब्रीड ज़्यादा पानी में बैठता है तो उसके कारण भी डैंड्रॉफ स्टार्ट हो सकता है आपके डॉग को साथ साथ आप जो उसको फूड देते हो अगर उसको प्रॉपरली न्यूट्रिशंस विटामिन नहीं मिलते इसके कारण भी ये डैनड्रॉफ हो सकता है तो इसके लिए आप जो है फूड अच्छी क्वालिटी का चूज़ कीजिए जिससे के कारण आपके डॉग को सब कुछ मिले और ये डैंड्रफ़ या फिर स्किन इन्फेक्शन किसी और डॉग ब्रीड को हो और आपका डॉग उसके साथ ज़्यादा रह रहा हो खेल रहा हो तो उसके कारण भी फैल सकता है तो ज़रूर से इन बातों का ध्यान रखें साथ साथ आप अपने डॉग पे जो प्रोडक्ट यूज़ करते हो उसके कारण काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आता है अगर आप ह्यूमन प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो उसके कारण डॉग का जो स्किन इन्फेक्शन हुआ या फिर डैंड्रफ हुआ वो और बढ़ सकता है और आप चाहे तो जाइवन पेट्स का एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ कर सकते हैं जो कि स्पेशली फार्मुलेटेड है नेचुरल टी ऑयल का और ये एक परफेक्ट नेचुरल अल्टरनेटिव हो सकता है डॉग का जो इन्फेक्शन है उसे ट्रीट करने के लिए अगर आपके डॉग ब्रीड में आपको डैंड्रफ या इची सेंसिटिव स्किन दिख रही है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं इसके कारण आपके डॉग ब्रीड को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा इसमें जो टी ट्री ऑयल होता है वो कम्बाइंड होता है विटामिन ई एंड हाइड्रोलाइज वीट प्रोटीन का जो कि एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है जो स्किन इरीटेशन से लड़ता है साथ साथ आपकी डॉग की जो स्किन होता है उसको हील करता है रीमोइचराइज करता है सेंसिटिव ड्राई स्किन को और अगर आपका डॉग डॉग्रीड ओवर ट्वेल्व वीक्स के ऊपर हो तो ये आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं जिससे आपकी डॉग की स्किन भी अच्छी होगी हेल्दी होगी साथ साथ क्लीन भी होगी तो दोस्तों आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि आपके डॉग का स्किन इन्फेक्शन ना हो अगर होता है तो ज़रूर से उसको वेट के पास रेगुलर चेकअप के लिए ले जाए उसके जो भी इंजेक्शन या फिर डिवॉर्मिंग होता है वो ज़रूर से कंप्लीट कराइए अगर डिवॉर्मिंग कंप्लीट ना हो तो भी प्रॉब्लम हो सकती है तो जो भी डॉक्टर या फिर वेट आपके डॉग का आपको मेडिसिन दे क्रीम दे वो ज़रूर से अप्लाई कीजिएगा हाल ही में मेरे डॉग ब्रिट को भी स्किन इन्फेक्शन हुआ था तो उसका जो कोर्स होता है वो ज़रूर से पूरा कीजिए वरना स्किन इन्फेक्शन वापस स्टार्ट हो सकता है तो अगर आपके डॉग बीट को इन्फेक्शन बढ़ रहा है तो आप सोच रहे हो कि घर बैठे बैठे ठीक हो जाएगा या फिर नहीं ले जाऊंगा तो भी ठीक हो जाएगा तो ये गलत फहमी है ज़रूर से उसे वेट के पास ले जाइए वरना प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है आपके डॉग को भी काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है और आपको भी इन थिंग्स में जितना इनिशियल स्टेज पर आप अपने डॉकबीट को ले जाओगे वेट के पास उतना ज़्यादा बेटर रहेगा कम पैसों में हो जाएगा और आपका डॉग भी जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा तो दोस्तों आशा करता तो हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा न्यू हो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूले मिलता हो आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग